बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम करने जा रहे हैं फन पेजेस, जो कि चैप्टर 5 के बाद हैं। यूनिट 5 है लेवल 2 का, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन। पेज नंबर है 41, उसको आज सॉल्व करेंगे। आई होप आपको फन पेजेस करने में मज़ा भी आएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द फ्रूट्स हिडन इन दिस वर्ल्ड सर्च। अब ये वर्ड सर्च है और वर्ड्स बनाने हैं हमने, इनके अंदर क्रॉस वर्ड्स हैं मिक्स हुए में हैं, और उन्होंने आपको थोड़ी सी हिंट दी है। नोट सम वर्ड्स मे बी स्पेल्ड बैकवर्ड्स, कुछ जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पपाया के हैं और मैंगो के हैं, ये उल्टे स्पेलिंग है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, जबकि लेफ्ट टू राइट होते हैं मोस्टली। तो इस तरीके से उन्होंने मिक्स करके वर्ड्स दिए हुए हैं और ये फ्रूट्स नेम्स दे दिए हैं जिनको हमने अरेंज करना है इनके अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल हम सर्च करते हैं कि कहाँ पर है। ये है ए डबल पी एल ई, एप्पल, इसको हम यहाँ पे सर्कल कर देंगे। फिर है ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पे है ये वैसे आपके करने का है, मैंने इसलिए सॉल्व किया है ताकि आपको परेशानी ना हो, लेकिन अगर आप खुद करेंगे तो इसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये ऑरेंज लिखा हुआ है, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ठीक है। पीच, उसके बाद पीच है थर्ड नंबर पे, पीच, पी ए पी ई ए सी एच, पीच। पियर, पियर यहाँ पे लिखा हुआ है, पी ई ए आर, पियर, इसको सर्कल करेंगे। मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। गावा, गावा यहाँ पे है, जी यू ए वी ए, गावा, अमरूद को कहते हैं। मेलन, एम ई एल ओ एन, मेलन, खरबूजे को कहते हैं, ये लिखा हुआ है, एम ई एल ओ एन, मेलन। पपाया, पपाया के स्पेलिंग्स उल्टे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पी ए पी ए वाई ए, पपाया। एप्रिकॉट, एप्रिकॉट हमारा ये है, ए पी आर आई सी ओ टी, एप्रिकॉट। फिर है बनाना, बनाना यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ए एन ए एन ए, बनाना। क्रॉस वर्ड्स हैं ये, एक दूसरे के साथ मैच भी हो रहे हैं, लेकिन हमने वर्ड बनाना है। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी ये लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, बी एल यू ई ब्लू, बी ई डबल आर वाई, बेरी, ब्लूबेरी। ग्रेप्स, ये ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। आई होप आपने ये कर लिया होगा सॉल्व। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन दिया है, डिज़ाइन योर ऑन एक्वेरियम एंड फिल इट विद फिशेस एंड प्लांट्स। आपने अपना एक्वेरियम खुद बनाना है, मैं तो कंप्यूटर पे इसी तरह का बना पाई, लेकिन आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। जब आप कलर्स के साथ उसको एंजॉय करेंगे, कलर्स के साथ बनाएंगे, तो प्रॉपरली एक एक्वेरियम बनाएं, उसके अंदर थोड़े से स्टोन्स बनाएं, फिर उसके लीव ग्रास बनाएं, जो मोस्टली आपको एक्वेरियम में नज़र आते हैं, आर्टिफिशियल रखे जाते हैं। तो एक फ़िश बनाएं उसमें या दो फिशेस बना दें, तो आपका ये एक्वेरियम कंप्लीट हो जाएगा और उसमें अच्छे से कलर्स भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम प्लांट्स। इनमें से कौन से ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी सारी प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट्स से बनी हैं। नोट डाउन द लेटर अंडर ईच प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। अब आपको जो लगता है कि ये पौधों से बनी है, उसके नीचे का जो नंबर है वो आपने अलहदा से लिख लेना है। देन अनस्क्रैम्बल देम, फिर आपने उनको अनस्क्रैम्बल करना है, यानी रीअरेंज करना है, टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। जो नीचे आंसर दिया हुआ है उसका हमने क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि ये है, विच ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। हिमालयन सेडार उसका नाम है, सेडार दरख्त है जो हिमालय में पाए जाते हैं, ये पाकिस्तान का कौमी दरख्त है।
अब ये बताएंगे हम, तो उसके ऊपर डॉट लगाया है मैंने जो प्लांट से बनी हुई चीज़ें। पीनट चॉकलेट, पीनट पौधों से आता है तो पीनट चॉकलेट है। चॉकलेट भी पौधों से बनती है, जैसे कॉफ़ी बीन्स होती हैं, तो ये पौधों से बनती है चीज़, इसलिए हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और एन को एक साइड पे लिख लेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा है एन। उसके बाद आ जाता है ब्रॉन्ज स्टैच्यू। ब्रॉन्ज स्टैच्यू वो वैसे ही नाम से ही बता रहे हैं कि ये कांसी का जो है स्टैच्यू बनाया गया है, कांसी का एक पुतला बनाया गया है जो कुत्ता बैठा हुआ है, इस किस्म का है। तो ये कांसी का है, यानी मेटल का बना हुआ है, ये प्लांट्स से नहीं बना है, हम इसको टिक नहीं करेंगे। फिर लैपटॉप है, हम सबको पता है लैपटॉप प्लांट से नहीं बनता, इसलिए हम इसको क्लिक नहीं करेंगे। फिर कॉर्क, कॉर्क लकड़ी से बना है और लकड़ी जो है वो पौधों से ही आती है, इसलिए हम इसको मेंशन करेंगे और ए वर्ड जो है वो हम इसके अंदर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्रायॉन्स। क्रायॉन्स जो हैं ये भी पौधों से बनते हैं, कलर से बनते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए इसका मेंशन कर रहे हैं। ए जो एंड वर्ड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश जो है वो प्योरली केमिकल है, ये पौधों से नहीं बनता है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पौधे से बनता है, यानी कागज़ जो है वो पौधों से बनता है, लकड़ी कागज़ पौधों से बनते हैं, पेंसिल्स रबर्स ये पौधों से बनती हैं चीज़ें, इसलिए न्यूज़पेपर को हम मेंशन करेंगे और इसका ए जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट बल्ब, बल्ब इलेक्ट्रिक है, ये पौधों से नहीं बनता। पेंसिल, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पेंसिल पेपर टिश्यू ये सब जो हैं वो पौधों से बनते हैं। तो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला ए हम यहाँ लिख देंगे। ये सारे ए पूरे हो गए। उसके बाद ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर भी प्लांट से बनता है, ये आर है और ये आर हमने यहाँ पे लिख दिया है। टी पॉट जो है वो सिरेमिक्स है, सिरेमिक्स से बनता है, तामचीनी से बनता है, मेटल से बनता है, लेकिन लकड़ी का नहीं होता। अच्छा जी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल प्लांट से बनता है, नाम से ही जाहिर हो रहा है, कोकोनट पौधा है, और इसका एल जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे हिमालयन के अंदर। वनीला फ्लावर, वनीला फ्लावर भी पौधों से मिलता है, वनीला फूल है, उसका जो फ्लेवर है वो उसके फूलों से ही बनता है, वनीला के फूलों से। तो ये हम एम इसका जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, हिमालयन का एम पूरा कर दिया। नेक्स्ट सिनेमन, सिनेमन दालचीनी ये भी पौधों से मिलती है हमें, इसको भी हम इसका डी लिख लेंगे यहाँ पे सिडार में। फिर मैगजीन है, मैगजीन क्योंकि पेपर का बना होता है, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन, ये पौधों से आते हैं, इसका आई हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद कीज़ हैं, ये चाबियाँ पौधों से नहीं बनती। ग्लास वॉज पौधों से नहीं बनता। टूथपिक्स लकड़ी से बनती हैं और लकड़ी हमें पौधों से मिलती है, इसलिए हम इसका वाई जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। कॉटन टॉवल, कॉटन टॉवल पौधों से आता है, कॉटन पौधों से मिलती है और फिर जाके टॉवल बनते हैं, तो उसका ई जो है वो हम यहाँ पे सिडार में लिख देंगे। तो हमारा हिमालयन सिडार नाम पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल बिलो। ये आपने काम करना है कि आपने अपने पसंद का एनिमल बनाना है। लेबल द बॉडी पार्ट्स, और उसके बॉडी पार्ट्स को लेबल भी करना है, एंड डिस्क्राइब, और आपने डिस्क्राइब भी करना है, बयान करना है हाउ दे आर यूजफुल टू द एनिमल, कि ये एनिमल आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है। इज योर फेवरेट एनिमल वाइल्ड और टेम। आपका जो फेवरेट एनिमल है, आपके पसंद का जो एनिमल है, जानवर है, वो जंगली है या सुधारा हुआ जानवर है, आपने ये मेंशन करना है। यहाँ पे पिक्चर बनानी है, उसको लेबल करना है उसके बॉडी पार्ट्स को, और उसको डिस्क्राइब करना है कि वो आपके लिए यूज़फुल कैसे है, और आपको ये भी बताना है कि ये वाइल्ड है या टेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, विच एनिमल मेड दीज फुटप्रिंट्स। उन्होंने फुटप्रिंट्स के नाम दे दिए हैं कि कौन कौन से जानवर हैं जिनके फुटप्रिंट्स ये हो सकते हैं पॉसिबल, तो हम लोगों ने सिर्फ उनको चूज़ करना है। चूज़ फ्रॉम कैटलॉग,
कैट डॉग गोट क्रो हॉर्स डक, ये कैट का है। ये अगर आप खुद सर्च करते हैं तो आप बहुत इंजॉय करते हैं इसके साथ। कैट का पंजा है ये, क्लॉ। हॉर्स, ये हॉर्स का हू। डक, ये वेब्ड है, वेब्ड फीट्स। डॉग, ये डॉग का है जिसके आगे छोटे छोटे नाखून बने हुए हैं। क्रो, कव्वे के पंजे हैं। गोट, और ये बकरी के हैं, बकरी या बकरा, उसके पाँव हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, फन पेजेस में आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आज इतना ही, नेक्स्ट 6th चैप्टर के लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।